5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को बता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को बता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का और कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से अमिट हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य उस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूत करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का यह ध्येय होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। इस सत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें प्रवेश की प्रक्रिया का शुभारंभ भी होगा।
और मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनकर के आगे उभरेगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई नहीं पहले बोलता था। 2019 में प्रयागराज कुंभ के समय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को लेकर के उसके पुनरोद्धार की और भारतीय आस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है।